अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेसरी मूवमेंट। ये भी पैसिव मूवमेंट की टाइप में से थी। हमने दो क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी रिलैक्स पैसिव मूवमेंट और एसेसरी मूवमेंट, और बाकी हमने तीन पढ़ी थी मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन और स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। वो हम एक एक हमने कहा था डिस्कस करेंगे। तो हमने पहली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने रिलैक्स पैसिव मूवमेंट के बारे में आपको बताया था। उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो हम अपनी अभी दूसरा जो उसकी क्लासिफिकेशन है एसेसरी मूवमेंट, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एसेसरी मूवमेंट, एक एसेसरी मूवमेंट होती है और एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब एसेसरी मूवमेंट और फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आप मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बना लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बुक में और इसमें क्या बात लिखी हुई है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स वो होती हैं जो हमारी विद इन द बोन जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्रेक्शन, एडेक्शन, सारी मूवमेंट जो हो रही होती है ये पेशेंट खुद से जब परफॉर्म कर रहा होता है, वॉलंटरीली खुद से कर रहा होता है, तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होती हैं। और इसके जो दूसरी मूवमेंट्स होती हैं एसेसरी मूवमेंट्स, ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि विद इन द ज्वाइंट हो रही होती हैं, ठीक है। ये विद इन द बोन होती हैं, विद इन द बोन, और ये विद इन द ज्वाइंट्स होती हैं, ठीक है। अब ये विद इन द ज्वाइंट हो रही है ये वाली मूवमेंट, तो इसका मतलब कि ये हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ये विद इन द ज्वाइंट है। अब ये कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे रोलिंग, स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, ये हो तो रही होती हैं हर बंदे में, हर पेशेंट में, हर नॉर्मल ज्वाइंट में ये हो रही होती हैं। लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ विद इन द ज्वाइंट हो रही होती हैं, पेशेंट इसको जो होता है वो खुद से परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो इसको परफॉर्म करवाता है। इसीलिए हम इसको पैसिव मूवमेंट में डालते हैं, क्योंकि ये किसी और की मदद से हम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो एसेसरी मूवमेंट होती है एक नॉर्मल ज्वाइंट में तो ये प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक एबनॉर्मल ज्वाइंट कंडीशन है, जैसे कि कोई फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है, तो क्या होता है वहाँ पे हमारे पास शोल्डर और जो ह्यूमरस है उसके दरमियान में एडिशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो लिमिट हो जाती है। तो क्या होता है उसमें हमारे पास रोलिंग और ग्लाइडिंग का जो ये सारा फिनोमेना है, मूवमेंट्स है, ये हो नहीं पा रही होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एसेसरी मूवमेंट एक नॉर्मल ज्वाइंट में तो हो रही होती हैं, लेकिन एक एबनॉर्मल ज्वाइंट में या तो ये बहुत कम होती हैं या तो ये होती नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उसको इसके बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है। दीस ऑकर एज अ पार्ट ऑफ एनी नॉर्मल ज्वाइंट मूवमेंट बट मे बी लिमिटेड और एब्सेंट एबनॉर्मल ज्वाइंट कंडीशन, ठीक है। मैंने आपको फिजियोलॉजिकल मूवमेंट इसलिए बताया है क्योंकि ये और एसेसरी मूवमेंट में बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट पेशेंट जो है वो खुद से परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए वो एक्टिव मूवमेंट में होती हैं। एसेसरी मूवमेंट जो होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहा होता है, पेशेंट खुद से नहीं कर रहा होता, तो इसलिए हम इसको पैसिव मूवमेंट में ऐड करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दीस ऑकर एज अ पार्ट ऑफ एनी नॉर्मल ज्वाइंट मूवमेंट बट मे बी लिमिटेड और एब्सेंट इन एबनॉर्मल ज्वाइंट कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया ये एक नॉर्मल ज्वाइंट में ये सारी मूवमेंट प्रेजेंट होंगी, लेकिन एक एबनॉर्मल ज्वाइंट में लाइक फ्रोजन शोल्डर की मैंने एग्जाम्पल दी थी, वहाँ पर ये वाली ज्वाइंट मूवमेंट नहीं होंगी ड्यू टू एनी कॉन्ट्रैक्चर और कोई एडिशन की वजह से ये स्लाइडिंग, रोलिंग, ग्लाइडिंग का ये सारा जो मूवमेंट है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा पेशेंट। दे कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लाइडिंग और रोटेशनल मूवमेंट, जिसमें स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, रोलिंग सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं, तो हम उन इन वाली मूवमेंट्स को एसेसरी मूवमेंट कहते हैं, जो कि हमारे विद इन द ज्वाइंट में हो रही होती हैं। अब ये मूवमेंट हो कैसे रही होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगला हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। दे कैन नॉट बी परफॉर्म एक्टिवली बाय द पेशेंट बट फिजियोथेरेपिस्ट कैन परफॉर्म दीज मूवमेंट ऑन द पेशेंट। ये मूवमेंट जो होती है ये पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहा होता है एक्टिवली, बट इसको करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मूवमेंट करवाता है पेशेंट पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी फिंगर्स की एबडक्शन या एडक्शन करवानी है, ठीक है, अब मैं एबडक्शन और एडक्शन करवा रही हूँ, तो इसका मतलब कि मैं वॉलंटरली खुद से ये मूवमेंट कर रही हूँ, तो ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है, ये एक्टिव मूवमेंट है। लेकिन एसेसरी मूवमेंट वो होती हैं जैसे कि मैंने किसी अपनी फिंगर की किसी एक जॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस जॉइंट पर मूवमेंट करवानी है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग करवानी है। अब मैं ये खुद से रोलिंग एंड स्लाइडिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस जॉइंट पर विद इन द जॉइंट की मूवमेंट हो रही है, तो मुझे इसको करवाने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट वो मूवमेंट को करवाएगा। वो कैसे करवाएगा, यहाँ से एक जो है अपने एक हाथ को यहाँ पे रखेगा, उसको फिक्स करेगा और ट्रैक्शन अप्लाई करेगा, और दूसरे हाथ से वो इस हाथ से फ्लेक्स करेगा, दूसरे हाथ से वो ट्रैक्शन अप्लाई करके रोल एंड स्लाइड करेगा, तो वो मूवमेंट परफॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह हम एसेसरी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करवाते हैं, लेकिन पेशेंट अपने खुद से नहीं कर सकता, फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट्स को करवा सकता है, ठीक।
अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ गिविंग एसेसरी मूवमेंट कौन कौन से हैं, सेम एज रिलैक्स पैसिव मूवमेंट। मैंने पहले भी आपको रिलैक्स पैसिव मूवमेंट ये बात बताई थी कि जो भी सारे प्रिंसिपल हैं वो चाहे एक्टिव मूवमेंट के हैं, जो भी हमने पीछे पढ़े हैं, आप वो सारे ऐड इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि सब में एक ही जैसी बात लिखी है। क्योंकि ट्रैक्शन एक तरह से ही होती है, ट्रैक्शन का एक ही फिनोमना है, फिक्सेशन का एक ही फिनोमना है, सपोर्ट का भी एक ही फिनोमना है, रिलैक्सेशन टेक्निक भी एक ही तरीके से होती है। तो इसलिए आप सारी चीज़ों को आप अगर हमें वो चीज़ याद किए तो आप वो वाली चीज भी सेम इसमें लिख सकते हो, ठीक है, वही वाली सारी हेडिंग इसमें लिख सकते हो। लेकिन मैं ये बात लिखी कि कंपैरेटिवली स्मॉल मूवमेंट होती है, मतलब कि बहुत स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स पे हो रही होती है ना, लेकिन फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखो हमारे रिस्ट पे हो रही है, शोल्डर पे हो रही है, ठीक है। लेकिन जो ये होती हैं एसेसरी मूवमेंट्स, ये बहुत स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये एक जॉइंट पे विद इन द जॉइंट्स हो रही होती हैं, दो जॉइंट्स के बीच में हो रही होती हैं, तो इसीलिए स्मॉल मूवमेंट्स इनको हम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ एसेसरी मूवमेंट। इफेक्ट और एसेसरी मूवमेंट का इफेक्ट क्या है, इसके यूजेस क्या है। पहला इफेक्ट ये है कि ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ द जॉइंट है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक नॉर्मल जॉइंट में ये सारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जॉइंट का कि उधर एक रोलिंग स्लाइडिंग का फिनोमना हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हेल्प टू इंक्रीज द लॉस रेंज ऑफ द मूवमेंट एंड टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी। इसका मतलब है कि कोई भी, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी मूवमेंट हो जाती है किसी की वजह से, कॉन्ट्रैक्चर की वजह से अगर वो मूवमेंट नहीं हो पा रही तो उसकी रेंज कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है एसेसरी मूवमेंट को करने से क्या होगा, जब हम एसेसरी मूवमेंट करवाएंगे उधर, तो क्या होगा कि उस उधर की जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो जॉइंट मोबिलिटी है वो मेंटेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर से आपको बताती हूँ, ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हिप जॉइंट है, ये नी जॉइंट है। जब उसने नी को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे देखो एक कॉन्ट्रेक्चर बना हुआ, जिसकी वजह से वो फुल एक्सटेंड नहीं हो पा रही। लेकिन जब हमने इधर हमने ये रोलिंग एंड स्लाइडिंग का फिनोमेना अप्लाई किया, ट्रैक्शन दी, ओवर प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या हुआ यहाँ पे एक स्पेस बन गई, यहाँ पे एक स्पेस डेवलप होगी। उस स्पेस से क्या होगा, तो अब आसानी से क्या होगा, रोलिंग एंड ग्लाइडिंग का जो फिनोमेना है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास रेंज जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहले लिमिटेड रेंज थी, तो इस जब हम ये वाला तरीका करेंगे, एसेसरी मूवमेंट्स करेंगे, ट्रैक्शन देके, तो क्या होगा कि रेंज जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यही है कि हमारे पास एसेसरी मूवमेंट करने से जो रेंज नहीं हो पा रही होती वो इंक्रीज हो जाती है, और जॉइंट मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब जो लास्ट पॉइंट वो आप इसमें लिख सकते हो अफेक्ट एंड यूजेस में, लेकिन एक क्वेश्चन भी है वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि व्हाई दीज मूवमेंट्स आर एब्सेंट इन एबनॉर्मल जॉइंट। क्यों ये एबनॉर्मल जॉइंट में ये मूवमेंट्स एब्सेंट होती हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये जॉइंट में इसलिए होती हैं, इन एबनॉर्मल जॉइंट दी मे बी लिमिटेशन ऑफ दीज मूवमेंट ड्यू टू लॉस ऑफ फुल एक्टिव रेंज कॉज बाय द स्टिफनेस ऑफ जॉइंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज एडिजन फॉर्मेशन ऑफ मस्कुलर इनसफिशेंसी। इसका मतलब ये लिखा है कि किसी भी एबनॉर्मल जॉइंट कंडीशन में क्या होता है कि कोई वो जो मूवमेंट है क्यों नहीं हो रही होती, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है, एडिजन बन जाती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं हो पा रही होती। जब वो मूवमेंट नहीं हो पा रही होती तो उसकी जो रेंज होती है वो अचीव नहीं हो पाती, वो उसकी रेंज कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है उन कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से। वहां पे जो मसल्स होते हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पास एसेसरी मूवमेंट है, रोलिंग और ग्लाइडिंग का जो सारा फिनोमेना है, रोटेशन का फिनोमेना, ये उधर होता नहीं, क्योंकि रोलिंग ग्लाइडिंग का जो फिनोमेना है वो दो जॉइंट्स के बीच में हो रहा होता है, ठीक है। दो जॉइंट्स के बीच में हो रहा होता है, एक बोन फिक्स होती है, दूसरी बोन उसके ऊपर रोल एंड स्लाइड कर रही होती है। तो इसका मतलब यही है कि हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एसेसरी मूवमेंट होती है वो एक नॉर्मल जॉइंट में तो हो रही होती है, लेकिन एबनॉर्मल जॉइंट में नहीं हो रही होती, और वो क्यों नहीं हो रही थी उसका मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें आपको कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में इससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।